What's up nerds, मेरा नाम है आचल और मैं हूँ सुधांश और ये है फैंडम टॉक्स में आज हम रिएक्ट करेंगे गंदी सी बिल्डिंग बाय मेहदी मालूफ एंड इनके पहले हमने एक और सॉन्ग पे भी रिएक्ट किया है फ्रॉम कोक स्टूडियो विच वॉज दिल खिड़की एंड सुशांत और मैं बहुत टेकन इन थे बड़ा ही अनकन्वेंशनल स्टाइल था ऐसा पहले कभी कुछ सुना नहीं था तो हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं टू चेक आउट कि इस बार क्या होने वाला है राइट ऑफ कोर्स और इससे पहले कि हम भूलें अब टाइम है कमेंट ऑफ द डे का एंड क्योंकि आप लोगों ने ओवर द टाइम इतने सारे कमेंट्स किए इतने सारे अच्छी अच्छी बातें बोली तो हम लोगों ने सोचा कि इन सारे कमेंट्स को अपने सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें तो लेट्स चेक इट आउट आज का कमेंट है अंसार बट 1946 की तरफ से और वो कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट टू पॉइंट आउट द मिस्टिकल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द सॉन्ग वॉचिंग द सॉन्ग इन योर कंपनी इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एज यू पीपल नो ऑल द सबटलिटीज डेलिकसीज एंड इंट्रिकसीज ऑफ म्यूजिक मे लव ऑलवेज बी विद यू एंड यू ऑलवेज सराउंडेड बाय लव थैंक यू सो मच आपके इन्हीं कमेंट से हमारा हौसला बना रहता है और हम इतने इतने ब्रेक्स लेके भी वापस आते हैं बट गाइस इस साल हम लोगों ने कमिट किया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं एंड हम हर रोज़ आपको लेके आएंगे एटलीस्ट एक वीडियो तो प्लीज़ कमिट टू आवर कमिटमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द फैंडम टॉक्स फैमिली एब्सोल्युटली एंड इसी के साथ बिना किसी देर के लेट्स चेक आउट द सॉन्ग गंदी सी बिल्डिंग सो गाइस Here we go. Rolling. Rolling. 1, 2, 3, action. गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं बिल्डिंग के गेट पे सोया हुआ गार्ड है गेट के पार बस कुत्तों का राज है टैंकर का धुआं और गर्द गुबार है नाले में मच्छरों का फार्म है सीवरेज के पानी के पाइप सारे लीक है दीवार के कोने में गुटके की पीक है लिफ्ट दो है पर एक ही बस ठीक है मेंटेनेंस की आंटी भी काफी अजीब है गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं पांचवें फ्लोर पे शराबी मदोश है बाकी आवाम से कालम गलोच है दूसरे फ्लोर पे चर्सी बेहोश है आखिरी फ्लोर पे भूतों का जोर पीछे इलाके में चरस का धंधा चर्सी आवाम का पुलिस से पंगा यहाँ पे है हर एक लव फंगा और पीछे पहाड़े में हर बच्चा नंगा गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं ईगल रिजॉर्ट के ऐसे हालात हैं पिछली दो शाम से खासे में रान है आसिम और गूंगा भी दोनों परेशान है मेहदी के हाथ में गिटार है करप्शन के केस में उमेर मफरूर है कहता वो ये है कि वो बेकसूर है चाहे जो मर्जी है इतना जरूर है नैब के सिपाहियों को वही मतलूब है गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं वैसे तो बिल्डिंग में सारे गरीब हैं जिंदा हैं क्योंकि वो जिंदा उम्मीद है हर एक की स्टोरी है लंबी तमीद है लगता है जैसे खुशहाली करीब है गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं So, इस गाने के साथ एक तो मेरे को क्रिएटिविटी दिख रही है इस बंदे की इस भाई की कि इन्होंने जो ऑब्जर्व करा है जो नॉर्मली ऑर्डिनरी पीपल्स रहते हैं हम
हम भी रहे हैं ऐसे ऐसी जगहों पे, और जो अपने बिल्डिंग के आगे पीछे ऊपर वाले फ्लोर पे नीचे वाले फ्लोर पे सब कुछ ऑब्जर्व करके एक क्रिएटिविटी दिखाई और एक गाना बनाए, एक तो मैं उस बात का फैन हो चुका हूँ इनसे। एंड मैं इनके और भी गाने चेकआउट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को नजर आ रही है इनकी क्रिएटिविटी और इनमें कितना टैलेंट है। और एक ही कमरे में, एक छोटे से सेटअप में, ऐसा कुछ बड़ा लैविश और ऐसा नहीं करा कि भैया गाड़ियां ये वो म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, है ना, चेन महंगी महंगी और ये विस्की शैंपेन और एक ही कमरे में बहुत सिंपल से सेटअप के साथ बहुत ही एंटरटेनिंग सा गाना बनाया। और देखो सही बात बताओ तो मुंबई में तो भैया सभी गंदी सी बिल्डिंग में ही रहते हो। एग्जैक्टली exactly. है ना, exactly. ये गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये गाना शायद आप गा रहे हो। एग्जैक्टली पता ही नहीं चला कि ये कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ। मतलब जैसे अभी यहाँ पे देहरादून में तो लिविंग स्टैंडर्ड मेरे को बहुत बहुत बेटर लगते हैं, पर मुंबई में अंडर अनलेस आप इलीट हो, लाइक आप प्रॉपर इलीट कैटेगरी में हो, तब तक आप सब गंदी सी बिल्डिंग में ही रहते हो जिनके पीछे एक नाला होता है, जब बारिश होती है वो नाला ओवरफ्लो हो जाता है, और पीछे वाली बिल्डिंग के पास कोई चरस बेच रहा होता है, एक फ्लोर पे आपके कोई शराबी लेटा हुआ होता है, वहाँ पीछे पहाड़ पे आपको दिख रहा होता है कि बच्चा नंगा है, और ऊपर वाला चरस वाला जो है आपके ऊपर वाले फ्लोर पे वो ओवरडोज लेके पड़ा हुआ होता है। तो बस एग्जैक्टली सेम, ये तो चलता ही रहता है। और मतलब पूरे गाने के थ्रू ऐसे ही लग रहा था कि बंदा जेन्युइनली अपनी स्टोरी बता रहा है, और जो कि उनकी स्टोरी थी है ना, तो बड़ा ही जेन्युइन कॉन्वर्सेशन वाला फील था। गाने से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बंदा सामने बैठा है चिल्ड आउट आपसे बात कर रहा है कि भाई देखो गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, ऐसे ऐसे होता है, ये सीन है, आपको आपसे बात कर रहा है ना। और मेहंदी मालूम का एक्चुअली मेरे को स्टाइल इसीलिए पसंद आया कि दिल खिड़की जो है उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि उनका गाने का स्टाइल, गाना तो है ही, गाते तो अच्छा है ही, पर साथ में जो सुन रहा है उसे इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि इट्स रियली फन टू वॉच। और एनीथिंग टू ऐड? या सबसे बड़ी बात, आज अगर यहाँ पे सुशांत होते अभी इस रिएक्शन में अगर होते तो वो हमसे भी ज्यादा एंटरटेन होते अभी। हाँ, और हमसे भी ज्यादा वो एक्सप्लेन कर पाते इस बात को, इस फीलिंग को, इस जज्बातों को, इस भाई की। बट एंटरटेन तो मैं भी बहुत हुआ हूँ, और मैं इनके और भी गाने चेकआउट करना चाहूंगा, बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे हमारी खुद की मन की बात इन्होंने खुद गाना गा के जाहिर कर दी है हमारी, है ना। पहुंचे हैं अभी अभी मुंबई, रहने को कुछ मिला नहीं, है ना, एक गंदी सी बिल्डिंग में एक फ्लैट मिला है जिसमें ऊपर से पानी टपकता है, और जिसका रेंट लोग बताते हैं कि 20,000 है। तो बस थोड़ा समझ में आता है, गंदी सी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। कुछ फैक्टर्स है जो शायद लोकल आप लोगों को ज़्यादा पता होंगे, जैसे नैप वाला क्या वो था रेफरेंस वो हमें नहीं समझ आया, क्योंकि आई थिंक वो आप लोगों को पता होगा, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि वो किस चीज़ के लिए रेफरेंस था। एंड तब तक के लिए गाइज आई गेस यू नो व्हाट टू डू, हम लोगों को सब्सक्राइब करें, एंड हम लोगों ने इस बार कमिट किया है कि इस साल के एंड तक हम लोग पहुंचेंगे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, एंड उसके लिए हमें है आपकी ज़रूरत, तो आप करें सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू, लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑफ कोर्स गाइस रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा बजाएं।